मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रही है। चुनावी माहौल से पहले मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों सुर्खियों में है। इसकी मुख्य वजह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो अभी चल रही है। राहुल गांधी का कुंभा 20 नवम्बर को मध्य प्रदेश पहुंचेगा। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा का चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी अपनी पत्नी के साथ यात्रा पर निकले थे, जिसे धार्मिक यात्रा कहा गया था। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस यात्रा का असर 2018 के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला था, जिसकी वजह से बीजेपी राज्य की सत्ता से बाहर हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा था कि नर्मदा परिक्रमा यात्रा 2018 के चुनाव से पहले बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की स्क्रिप्ट थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू की थी और दिग्विजय समेत पूरी कांग्रेस ने इस यात्रा को धार्मिक यात्रा बताया था और कहा था कि इसका राजनीति से कोई संपर्क नहीं था। 192 दिनों की यात्रा में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात का दौरा किया था। इस यात्रा के तहत दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ करीब 3,300 किलोमीटर की पदयात्रा की थी।